हमारे पास एक प्रोफाइल है जो कि हम अपने इस ट्रांसमिशन में स्पेशली हिस्सा बनाते हैं उन प्लेयर्स का जिनका जो क्रिकेटिंग जर्नी है वो किस तरह का रहा। तो आज हमारे पास प्रोफाइल है रोहेल नज़ीर की, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में पैदा हुआ है तो बचपन भी यहीं गुजारा है। बच्चे सारे मतलब है खेलने का शौक़ रखते थे, तो ये रॉयल ने चुपके से इसने क्लब ज्वाइन किया है। काफ़ी छोटा था जब, बीमार हो गया था बहुत, मतलब है डॉक्टरों को भी कहता था कि मुझे टीका नहीं लगाना और मैं मतलब है आप मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उस वक़्त थोड़ा सा फील हुआ था। फैमिली में सभी सपोर्टिव थे, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है माशाल्लाह से उन्होंने उसको काफ़ी वो किया, और तीनों बड़े भाई जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो सभी ने मिलजुल के उसको जो है ना आगे को लेके गए। उसको भाइयों की वजह से ऐसा माहौल है कि कभी फील ही नहीं होता कि सबसे छोटा हूँ, लाइक वो ऐसे ट्रीट करते हैं एज अ फ्रेंड और हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट टाइम जब रोहेल रीजन में सिलेक्ट हुआ था तो हमें भी बड़ी खुशी हुई थी, और वो जब घर आया था जो उसको शर्ट्स वगैरह जो उसको मिली थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहले तो हमें इतना यकीन ही नहीं था कि मतलब रोहेल PSL के लिए सिलेक्ट हो गया है। उसके लिए जब वो सिलेक्ट हुआ है तो हमें खुशी हुई है। रोहेल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया जब से वो क्रिकेट के अंदर जो है ना एंटर हुआ है। उसके वो जब घर आता है तो उसका यही होता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कहता था मुझे अम्मी थोड़ी सपोर्ट करें, मैं मेरा दिल करता है मैं जाऊँगा, बाकी उसको नहीं मानते थे कि ऐसे जाता है पाकिस्तान के लिए वो खेले, हम देखें हम सब उसके लिए दुआ करते हैं और खुशी है हम लोगों को। जब खेलता है तो उस वक्त मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ, मैं कह रही हूँ आउट हो जाएगा तो मेरा दिल, फिर तो बस दुआ करती रहती हूँ उसके लिए। तो जब आता है तो ये इंतज़ार करती हूँ कि आ जाए थोड़े दिन मेरे पास है तो अच्छा था खाना खा ले। स्पेशली वालिद साहब हमेशा ग्राउंड लेके खुद जाते थे और खिलाते थे मैचेस, और मामा भी स्पेशली स्कूल का ख्याल रखना और जहाँ पे भी खेलना इस तरह लाइक सपोर्ट करना, आपको खाना और जूसेस एवरीथिंग लाइक वो जो कर सकती थी उन्होंने किया, तो वही कामयाबी का मेरा राज है। रॉयल की एक ऐसी आदत है कि खाने पीने में ना वो बड़ी झिझकाते निकालता है और कहता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए। क्रिकेट के अलावा रोहेल को घूमने का ज़रा शौक़ है, वो घूमने के लिए जाता है, आउटिंग का उसको ज़रा ज़्यादा शौक़ है, और शॉपिंग वगैरह के लिए वो जो है जाता है। 7 साल का था तो उसको थोड़ा बीमार था काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद फिर वो थोड़ा अस्पताल दाखिल रहा काफ़ी दिन, कहीं मार भी पड़ती थी उसको कि नहीं खेलो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, लेकिन नहीं सुनता था। पढ़ाई भी माशाल्लाह पढ़ाई में भी ठीक था, ये नहीं है कि पढ़ाई में सही नहीं था, खेल में उसकी ज़्यादा तवज्जो थी। वो शरारतन जैसे छोटे बच्चों की तरह फिर थोड़ा बहुत करता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मेरे साथ ही बहुत अच्छी बातें करता है, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बड़े बहन भाई थे वो, उनका शौक़ था कि हम रोहेल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, अपने से ज़्यादा अच्छा जो है ना उसको पढ़ाई की तरफ लेके आए, लेकिन रोहेल का ये था कि मुझे जो है किसी तरह क्रिकेट के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल दें ताकि जो है मैं अपने आप को प्रूव करूँ, अगर तो मैं प्रूव नहीं करता हूँ तो फिर मैं स्टडीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन अगर तो मेरा शौक है ये, अगर इसमें मैं खेल जाता हूँ तो फिर मैं अपना करियर जो है इसी में कंटिन्यू करूँगा। रोहेल का हमने आपको प्रोफाइल पैकेज दिखाया, क्या कहेंगे रोहेल नज़ीर के हवाले से? देखिए रोहेल इस्लामाबाद में पैदा हुआ, 19 साल इसकी उम्र है, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला 2018 का एज अ प्लेयर और फिर 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन खेला, बड़ा टैलेंटेड है। अभी तक सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है रोहेल नज़ीर, लेकिन T20 मैचेस जो खेला है वो अप्रॉक्सीमेटली 30-31 हैं, तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आने वाले वक्त में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छा विकेट कीपर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, स्टे विद।